सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू अदर एपिसोड ऑफ क्लैशिंग गेम। तो दोस्तों, आज वाली इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, मेरे पास दो खबर है, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है दोस्तों कि मेरी क्वीन 50 की हो चुकी है फाइनली टाउन हॉल 11 पर, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बुरी खबर ये है कि रॉयल गोस्ट जाने वाला है। ये वीडियो तो रॉयल गोस्ट जाने के बाद ही आई है, मुझे पता है आप लोग जब देख रहे हैं उस समय रॉयल गोस्ट जा चुका है। तो दोस्तों, आज वाली इस वीडियो में हम लोग उसके साथ कुछ अटैक्स करेंगे, माइस रॉयल गोस्ट को लेके, मतलब पूरे के सारे 32 रॉयल गोस्ट को लेके हम लोग अटैक करेंगे। तो आज के वाले वीडियो में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, तो उम्मीद है आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो रॉयल गोस्ट को आप देख सकते हैं दोस्तों, करीब से देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे हमारी आर्मी आप देख सकते हैं, 32 रॉयल गोस्ट है दोस्तों। और यहाँ पे जो है सो देख सकते हैं, क्वीन 50 की भी हो चुकी है दोस्तों, तो मज़ा ही आ गया यार कुछ। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ रॉयल गोस्ट के ऊपर किस तरह से परत चलती थी, किस तरह से उसका आइकन था, डैमेज पर सेकेंड 558, हिट पॉइंट 232। तो यहाँ क्वीन 50 की मस्त हो गई है, डोनेशंस भी मैक्स डोनेशंस है। तो चलिए हम लोग अटैक पर चलते हैं, एक अच्छा सा बेस ढूंढते हैं पहले। सर्चिंग फॉर अपोनेंट्स नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा सा एकदम बेस चाहिए दोस्तों, इस टाउन हॉल 11 का जैसा कि हो। तो इसको भी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, जल्दी से हम लोग बेस ढूंढते हैं यार। इसको भी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, अब वाले बेस पे हम अटैक कर ही देंगे दोस्तों, कुछ भी हो जाए। चलो टाउन 11 का अच्छा सा बेस है, यहाँ पे आइस गोलम एक डिप्लॉय करते हैं दोस्तों, यहाँ ग्रैंड वार्डन के साइड से एक इधर फनल क्रिएट करेंगे, ताकि सारे आइस गोल मतलब रॉयल गोस्ट दोस्तों सॉरी रॉयल गोस्ट अंदर जाएँ। एकदम बढ़िया से बढ़िया फनल क्रिएट करेंगे कि रॉयल गोस्ट कहीं बाहर ना चले जाए दोस्तों। और यहाँ से हम लोग रॉयल गोस्ट छोड़ते हैं, स्पैम नहीं करेंगे दोस्तों, अगर स्पैम कर देते तो बॉम्ब टावर का वहाँ बहुत खतरनाक डैमेज होगा। रॉयल गोस्ट भले ही इनविजिबल होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का अटैक हो तो वो डैमेज। और इसी तरह यहाँ पे सब ये पॉइजन डालते हैं, वहाँ पे स्केलेटन्स को ट्रैप करते हैं। और दोस्तों इधर से रॉयल गोस्ट डालते हैं, और यहाँ से एक इधर से। और दोस्तों देखते हैं हम लोग कितना परसेंटेज खींच सकते हैं दोस्तों रॉयल गोस्ट के साथ। यहाँ रॉयल गोस्ट और 2-3 डाल देते हैं, ईगल आर्टिलरी को डाउन करते हैं पहले, उसके बाद जो होगा सो होगा दोस्तों। एक हेस्ट यहाँ डाल देते हैं, उसके बाद इधर एक फ्रीज डालते हैं विजर्ड टावर के ऊपर, ये स्टोन स्लैमर को इधर डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद किंग क्वीन वार्डन एयर में रह गया, ये गलती हो गई थोड़ी सी। और यहाँ पे सारे के सारे स्पैम कर देते हैं रॉयल गोस्ट। और यहाँ पे दोस्तों फ्रीज स्पेल सही जगह पे, और रेज एक विजार्ड भी बचा हुआ छोड़ देते हैं। यहाँ एक रेज डालते हैं, अब तो यार इस मतलब रॉयल गोस्ट भी चले गए, गोलम बचा हुआ है मात्र। और यहाँ से किंग क्वीन दोस्तों जा रहे, बहुत बढ़िया रेज के अंडर में 50 की क्वीन काम कर रही है यार, मस्त मज़ा आ रहा है। किंग के वो एबिलिटी देते हैं हम लोग, और यहाँ क्वीन किंग को डाउन कर लो, एनिमी किंग डाउन। और यहाँ से क्वीन को एबिलिटी देना होगा मुझे लग रहा, सिंगल टारगेट इन्फर्नो, और ये एबिलिटी पॉप अप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 60% हो गया, मुझे तो लगता है अटैक 65% तक खिंचा सकता है अगर तोड़ा उसको तो। यस दोस्तों 65% तक, और परसेंट नहीं मिलेगा। और क्या हुआ, यहाँ गोलम फंसा हुआ है, गोलम बचा हुआ है, तो इसको एंड बैटल करते हैं हम लोग, उतना सोचना नहीं है। यहाँ एक स्टार 65% मिला, जो कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। और यहाँ पे हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है, इवेंट रॉयल गोस्ट वाला। तो रॉयल गोस्ट फिर से एक नींद में चला जाएगा दोस्तों। तो मिलेंगे इस तरह कुछ अगले कुछ अमेजिंग एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए द क्लैशिंग केव। We'll be right back.